हैं डॉक्टर जेल से नहीं, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है ग्राफ थ्योरी के बारे में बताऊंगा। ग्राफ सिद्धांत की शुरुआत सबसे पहले सन 1736 में आयलर के एक रिसर्च पेपर के साथ हुई, जिसमें उन्होंने कोनिसबर्ग सेतु समस्या को हल किया। लगभग 2 शताब्दी बाद 1936 में डेनिस कार्निस ने ग्राफ सिद्धांत की अवधारणा पर प्रथम पुस्तक लिखी। तत्पश्चात ग्राफ सिद्धांत का विकास मुख्यतः कंप्यूटर विज्ञान में इसके बढ़ते अनुप्रयोगों एवं प्रचलन के कारण हुआ है। ग्राफ क्या है? माना V एक एरिक समुच्चय है, नॉन एम्प्टी सेट है, तथा E समुच्चय V के अवयवों के अकर्मित युग्मों यानी अनऑर्डर्ड पेयर्स का एक अन्य समुच्चय है यानी सेट है। तब संरचना G=VE एक ग्राफ कहलाता है। समुच्चय V के अवयवों को शीर्ष या बिंदु यानी वर्टिसेज या पॉइंट्स तथा समुच्चय E के अवयवों को कोर या शाखा यानी एजेज और ब्रांचेज कहते हैं। यदि V एक रिक्त समुच्चय है यानी एम्प्टी सेट है तो ग्राफ की कल्पना संभव नहीं है। समुच्चय E जिसे हम कोरों का समुच्चय कहते हैं, सेट ऑफ एजेज, रिक्त समुच्चय हो सकता है। यानी अगर ग्राफ की कल्पना करनी है तो उसके अंदर शीर्ष यानी वर्टिसेज का होना आवश्यक है। ई जो है एजेज है वो एम्प्टी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे माना जैसे V=ABCD यानी ये उसके क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं, शीर्षों का समुच्चय है, सेट ऑफ वर्टिसेज, तथा E=, जैसे उसमें E1, E2, E3, E4, E5 यानी जैसे एजेज है तो उसका E ले लिया हमने, कोरों का समुच्चय है। जहाँ अब जैसे मान लो E1 है ये A to B, E2 है वो BC, E3 है AC, E4 है BD तथा E5 COD, तब VE एक ग्राफ है जिसे निम्न आरेख द्वारा यानी निम्न उसके द्वारा हम प्रदर्शित किया जा सकता है आरेख द्वारा। जैसे अब यहाँ पर हमें जैसे V है वो है ABCD, ये क्या है, वर्टिसेज हैं, शीर्ष हैं, और इनके बीच में E1, E2, E3, E4, E5 क्या हैं, एजेज हैं। तो अब इनके अनुसार हमने इसका डायग्राम इस प्रकार से बनाते हैं कि ये जैसे मान लो ए है, बी है, सी है और डी है, ये तो है उसके शीर्ष जिसको हम बिंदु द्वारा निर्देशित करते हैं। अब यहाँ पर हमें दे रखा है जैसे E1 है वो क्या है, ए से बी, तो शीर्ष कौन से, ए से बी है ना, उनके बीच में है, तो ये मान लो E1 है ना, हमने ए से जैसे बी है ना ये दिखा दिया। E2 जो है वो बी और सी के बीच में वो दिखा दिया। E3 है ए और सी के बीच में है वो दिखा दिया, और E4 है वो B और D के साथ में है। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर देखो ये E1 है, इसको हम A से B पढ़ सकते हैं या B से A पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको क्या हमने अनऑर्डर्ड पेयर्स कहा है। माना G=VE की प्रत्येक कोर यानी इसका जो E है बिलोंग्स टू E को किसी अकर्मित युग्म में अनऑर्डर्ड पेयर जैसे मान लो U,V अथवा ऑर्डर्ड पेयर या U,V से संबद्ध किया जा सकता है, यानी उससे उसको कनेक्ट कर सकते हैं।
जहाँ यू और वी ये क्या है, शीर्षों के समूचे वी के क्या है, अवयव है। इस स्थिति में शीर्ष यू तथा वी जो है वो आसन शीर्ष यानी एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं। इन्हें हम कोर ई के अंते शीर्ष यानी एंड वर्टिसेस भी कहते हैं। हम ये भी कहते हैं कि शीर्ष यू और वी कोर ई पर आपतित यानी इंसिडेंट है तथा कोर ई है वो शीर्षों यू और वी पर आपतित है, यानी इस प्रकार से भी हम इनको कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि मान लो इसे शीर्ष जैसे नहीं है, जैसे मान लो ये ए या बी, तो हम ये कहते हैं कि जैसे मान लो जो शीर्ष है ना ए और जो बी है वो ई वन पर क्या है, आपतित है, या ई वन जो है ए और बी पर क्या है, आपतित है। यानी इनके इनको क्या करती है, वो ग्रह करती है। यानी ई वन जो है ए को बी से ग्रह करती है या बी को ए से कनेक्ट करती है, तो इनको हम क्या है वो इंसिडेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ये जो मान लो शीर्ष है ना, जैसे मान लो यहाँ इसको हमने जैसे यू कह दिया, इसको वी कह दिया, तो ये यू और जो वी हैं ये एडजेसेंट वर्टिसेस कहलाते हैं, आसन शीर्ष कहलाते हैं। उसके बाद में फिर एक नाम आता है लूप यानी पास। यदि किसी कोर के दोनों अंत्य शीर्ष यानी एंड वर्टिसेस एक ही शीर्ष है तो इसे पास या लूप कहते हैं। दूसरा है समांतर कोरे पैरेलल एजेस। ग्राफ के किन्हीं भी दो शीर्षों पर एक से अधिक अगर कोरे एजेज आपतित हों, समांतर कोरे या बहुल कोरे कहलाती हैं। जैसे निम्न चित्र में E1 तथा E8 ये क्या है, लूप, तथा E4 तथा E5 क्या है, समांतर कोरे हैं। तो यह आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये जैसे E1 है ना, दूसरा आप यहाँ पर देखो E2 देख रहे हैं, E8 देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इस एक ही शीर्ष पर दो एज है ना वो आ रही हैं यहाँ पर। और दूसरा क्या है, जैसे यहाँ पर हमें ये बताया है कि लूप किसे कहेंगे, किसी कोर के दोनों अंत्य शीर्ष एंड वर्टिसेज हो यानी एक ही शीर्ष है, यानी वो जहाँ पर ये शुरू हो रही है वहीं पे क्या हो रहा है, उसका अंत हो रहा है। और ग्राफ के किन्हीं दो शीर्षों पर एक से अधिक कोरें आपतित हों, तो आप यह देख रहे हैं कि जैसे ये V1 है इसके ऊपर क्या है E4 या E5 आ रही हैं, या V3 है उसके ऊपर भी क्या है E4 और E5 यहाँ पर क्या हो रही है? आ रही हैं यानी वो कनेक्ट कर रही हैं। तो ये जो है ना E4 या E5 है यहाँ पर, तो ये तो कौन सी होगी, समांतर कोर होगी। और यहाँ पर जैसे मान लो इनका क्या है कि अंत्य शीर्ष यानी जहाँ से ये शुरू हो रही है वहीं पर ख़त्म हो रही है, तो इनको क्या कहेंगे हम दोनों को, E1 और E8 को यहाँ पर क्या कहेंगे, लूप कहेंगे। फिर है सरल ग्राफ, सिंपल ग्राफ। तो समांतर कोरों तथा पासों से मुक्त ग्राफ एक सरल ग्राफ कहलाता है, यानी ऐसा ग्राफ है जिसमें न तो ये समांतर कोर हैं और न क्या है उसमें लूप्स हैं, तो उसको हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। उसके बाद में है जैसे मल्टी ग्राफ। यदि किसी ग्राफ में समांतर कोर विद्यमान है तो ऐसा ग्राफ मल्टी ग्राफ कहलाता है, जैसे हमने ऊपर के उदाहरण में समझाया है। उसके बाद में एक है छद्म ग्राफ यानी स्यूडो ग्राफ्स, यानी ऐसे ग्राफ जिनमें पास तथा समांतर कोरें दोनों उपस्थित हैं, छद्म ग्राफ कहलाता है। यानी हाँ यह हमने ये बताया कि ऐसा ग्राफ जिसमें न तो पास है न समांतर कोरे हैं सिंपल ग्राफ कहलाएगा, और ऐसा ग्राफ जिसके अंदर समांतर कोरे हैं तो वो मल्टी ग्राफ कहलाएगा, और ऐसा ग्राफ जिसमें पास और समांतर कोर दोनों उपस्थित हैं तो वो छद्म ग्राफ कहलाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर है परिमित तथा अपरिमित ग्राफ यानी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ्स। यदि किसी ग्राफ जिसको हम जी इक्वल टू वी में समुच्चय वी तथा ई दोनों क्या हों, परिमित हों, फाइनाइट हों, तो वह परिमित ग्राफ कहलाता है।
अन्यथा इसे हम अपरिमित ग्राफ कहते हैं। उसके बाद में है रिक्त ग्राफ, नल ग्राफ, यानी यदि किसी ग्राफ में कोणों का समुच्चय ई एक रिक्त समुच्चय हो तो जी एक रिक्त ग्राफ कहलाता है। जैसे निम्न ग्राफ 5 बिंदुओं का एक रिक्त ग्राफ है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे V1, V2, V3, V4 और V5 ये क्या है, शीर्ष हैं, लेकिन इनके बीच में क्या है, कोई भी एज नहीं है। तो इसलिए हमने पहले बताया था कि ग्राफ के लिए शीर्ष का होना तो आवश्यक है। यहाँ पर जो ई है ना, वो है ना, वो रिक्त हो सकता है। तो अगर इस प्रकार से मान लो अगर इन शीर्षों के बीच में कोई भी कोर या एज नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिक्त ग्राफ कहेंगे, नल ग्राफ कहेंगे। यहाँ रिक्त ग्राफ में समूचे ई तो रिक्त है, परंतु शीर्षों का समूचे है ना, ये V1, V2, V3, V4, V5 जो रिक्त समूचे नहीं है। अतः ग्राफ की परिभाषा अनुसार किसी भी ग्राफ में कम से कम एक शीर्ष का होना आवश्यक है। अगर हमें ग्राफ की कल्पना करनी है तो उसमें कम से कम एक शीर्ष तो होना ही चाहिए। ग्राफ में किसी शीर्ष की घात या कोटि, डिग्री ऑफ वर्टिसेस इन ए ग्राफ, इन ग्राफ जी में किसी शीर्ष वी पर आपतित कोरों की संख्या, यानी ऐसे कोर जो कि एक पास है, दो बार गिनती की जाती है, शीर्ष वी की कोटि कहलाती है, जिसे डिग्री वी से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कोई भी जो शीर्ष है उसके उस पर कितने एज आ रही है। अगर वहाँ पे कोई लूप है तो उसको हम दो बार गिनते हैं, वो उस शीर्ष की, उस वर्टिस एज की कोटि यानी डिग्री कहलाती है, और उसको डिग्री ऑफ वी जो है ना, उससे हम व्यक्त करते हैं। उसके बाद में फिर है वियुक्त शीर्ष, यानी आइसोलेटेड वर्टेक्स। ग्राफ जी में यदि किसी शीर्ष की कोटि क्या है, शून्य है, तो इसे वियुक्त शीर्ष कहते हैं, अर्थात वह शीर्ष जिस पर कोई भी कोर आपतित नहीं होती, वियुक्त शीर्ष कहलाता है। तो आप देख लीजिए कि ऐसा शीर्ष है जिसके ऊपर कोई भी एज है ना, वहाँ पे नहीं आ रही है, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड वर्टेक्स, वियुक्त शीर्ष। उसके बाद में है एक निलंबी शीर्ष, यानी पेंडेंट वर्टेक्स। किसी ग्राफ जी में किसी शीर्ष की घात एक और केवल एक हो तो उसे हम निलंबी शीर्ष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे निम्न ग्राफ में प्रत्येक शीर्ष की कोटि ज्ञात कीजिए, और ये भी ज्ञात कीजिए कि यदि कोई शीर्ष वियुक्त शीर्ष अथवा निलंबी शीर्ष है। तो अब हमें देखो यहाँ पर ये ग्राफ दे रखा है, यहाँ पर इसे V1, V2 है ना, इसे V3 है, V4, V5 और V6 ये क्या वर्टिसेज हैं, और ये उनके बीच में क्या है, कोर है या लूप है। तो यहाँ पर हमें इस दिए गए ग्राफ में, जैसे मान लो V1 है, तो आपको ये देखो कि इसके ऊपर कितने कोर आ रही हैं, यानी कितने इंसिडेंट हो रही हैं। तो जैसे V1 है, इसके ऊपर देखो, एक तो ये कोर आ रही है, एक ये आ रही है, और एक यहाँ पे लूप है। तो लूप को हम क्या, दो बार गिनेंगे, तो यहाँ पर इसकी जो डिग्री ऑफ V1 है वो हो गई 4। ऐसे मान लो यहाँ पर ये जो V2 है, इसके ऊपर कितने आ रहे हैं, ये 3 आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये वाली। तो डिग्री ऑफ V2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसे V4 है तो उसके ऊपर कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। और जैसे V5 है, इसके ऊपर क्या है, जैसे मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 2 ये, तो ये क्या हो गई, 7 हो गई। ऐसे V6 है, इसके ऊपर कितने आ रही है, 1 आ रही है। V3 जो है, यहाँ पर कोई भी एज नहीं है। तो इस प्रकार से डिग्री ऑफ V3 है वो 0 है, V4 की 3 है, V5 की 7 है और V6 की क्या है, 1 है। तो इस प्रकार से तो हमने यहाँ पर ये दिखा देखा कि V3 जो है वो इक्वल टू 0 है उसकी डिग्री, तो ये क्या हो गया, एक वियुक्त शीर्ष हो गया परिभाषा के अनुसार।
और जो डिग्री ऑफ V6 है वो यहाँ पर क्या है, 1 है। अतः V6 है वो एक निलंबी शीर्ष है ना, ये हो गया। उसके बाद में फिर है समशीर्ष। ये समशीर्ष क्या होंगे, यदि किसी ग्राफ जी में किसी शीर्ष की कोटि एक सम पूर्णांक हो, इवन इंटीजर हो, तो उसे हम समशीर्ष कहते हैं। और विषम शीर्ष ऑड वर्टिसेस, किसी ग्राफ जी में किसी शीर्ष की कोटि एक विषम पूर्णांक हो तो उसे हम विषम शीर्ष कहते हैं। उपरोक्त जो ग्राफ था उसमें जैसे मान लो शीर्ष V1 जो है वो एक समशीर्ष है, तथा शीर्ष V2, V4, V5 और V6 है वो क्या है, विषम शीर्ष है। फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि निम्न चित्र द्वारा प्रदर्शित ग्राफ जी इक्वल टू वी के लिए शीर्षों तथा कोरों के समूचे वी तथा ई लिखिए। तो आप यहाँ इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जैसे मान लो ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7, तो ये तो क्या है, जो शीर्ष जो है उनका सब सेट है। तो V इक्वल टू तो ये आ जाएगा। उसके बाद में फिर जो E है, जो क्या है, जो एजेज हैं उनका सेट है, ये कोरों का समुच्चय है। तो इसके अंदर जैसे V1 से V2 आ जाएगा, V1 से V3 आ जाएगा, V2 से V4, V2 से V3 है ना, V3 से V6, V3 से V2 है ना, ये V3 से V4, ऐसे V4 से V5, V4 से V6, V4 से V7, V6 से V7, V6 से V4, V5 से V4, V5 से V7, V7 से V5 और V7 से V6, यानी इस प्रकार से क्या आ जाएंगे, कोर आ जाएंगे। तो दिए ग्राफ के लिए शीर्ष वाला समुच्चय वो तो V1 से लेकर V7 हो गया, तथा जो कोरों का समुच्चय जो सेट ऑफ एजेज है वो क्या हो गया, V1 से V2, V1 से V3, V2 से V3, V2 से V4, V3 से V4, V3 से V6, V4 से V5, V4 से V6, V4 से V7, V5 से V7, V6 से V7, इस प्रकार से हम इनको देख सकते हैं। फिर जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, जी इक्वल टू वी एक ग्राफ है जहाँ V इक्वल टू V1, V2, V3, V4, V5, तथा जो E है वो है E1, E2, E3, E4, E5, E6 और E7, जहाँ पे अब E1 जो है वो V1 से V3 के बीच में, E2 है V1 से V4, E3 है V3 से V4, E4 है V4 से V3, E5 है V1 से V3, E6 है V4 से V5, E7 है V4 से V2। तब ग्राफ का आरेख कीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो जो दे रखा है, तो इसके अनुसार हम क्या है कि यहाँ पर देखिए से V1, V2, V3, V4 और V5 है ना, ये तो उसके शीर्ष है। फिर हमें उसमें जो बताया गया है ना कि भाई जैसे E1 जो है वो V1 से V3 बना दिया, E5 है वो V1 से V3 है, इस प्रकार से E3 है वो V3 से V4 है, E4 है वो V3 से V4 या V4 से V3 है ना, ऐसे E2 है V1 से V4, V2 है मतलब E7 है वो V2 से V4 या E6 है वो V4 से V5 है ना, इस प्रकार से हम इसको डायग्राम को हमने इसका बना दिया है। तो इस प्रकार से हमने कि मतलब ग्राफ क्या होता है, ठीक है, ये कौन कौन से ग्राफ होते हैं, इनके बारे में हमने क्या रिसर्च किया है। समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद।